नमस्कार साथियों, अपनी शिक्षण विधियों की क्लास चल रही थी, आठ शिक्षण विधि अपने कर चुके, अब अगली शिक्षण विधि पे चलते हैं। अगली कौन सी है ये देखते हैं। श्रुत, लेखन, श्रुत लेखन, अभ्यास विधि, श्रुत लेखन, अभ्यास विधि। अपनी अगली विधि है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। क्या होता है? सुनकर लिखा जाता है, सुनकर लिखना, लिखना। इस विधि में क्या होता है? सुनकर लिखा जाता है। किसके द्वारा सुनकर लिखा जाता है भाई? सुनकर लिखा जाता है किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। लिखने का काम भी छात्र करते हैं और सुनने का काम भी छात्र करते हैं, परंतु बोलने का काम कौन करता है? अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक द्वारा बोला जाता है, छात्रों द्वारा लिखा जाता है। किसमें? श्रुत लेखन में। उद्देश्य क्या है, किस लिए ये काम में आती है, ये देखते हैं। वर्तनी, वर्तनी संबंधित भाई, वर्तनी संबंधित जो त्रुटियां छात्र करते हैं, जो गलतियां छात्र करते हैं, वर्तनी संबंधित गलतियों के लिए श्रुत लेखन उसमें सुधार करता है। वर्तनी संबंधित त्रुटियों में श्रुत लेखन विधि द्वारा सुधार होता है, वर्तनी संबंधित त्रुटियों में। और क्या होता है? जो लेखन पद्धति होती है, लेखन पद्धति भाई, लेखन कौशल तेज होता है, लेखन पद्धति तेज होती है। विद्यार्थी थोड़ा तेज लिखना स्टार्ट कर देता है, जल्दी लिखना स्टार्ट कर देता है, और वर्तनी संबंधित त्रुटियां दूर होती हैं श्रुत लेखन से। आगे चलते हैं भाई। भाषाई कौशल अपने थे जो चार होते हैं, कौन से भाषाई कौशल? कितने होते हैं? चार होते हैं, चार होते हैं। कौन से भाषाई कौशल? भाषाई कौशल, जो भाषाई कौशल है वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एल, एस, आर, डब्लू। लिसन, स्पीच, रीड और राइट। भाई श्रुत लेखन, श्रवण लेखन, जो श्रवण लेखन होता है, जो श्रवण कौशल होता है, सॉरी श्रवण कौशल, जो श्रवण कौशल होता है वो उच्चारण कौशल, फिर अपना उच्चारण कौशल, उच्चारण कौशल, फिर अपना वाचन कौशल, वाचन कौशल, और अंत में भाई लेखन कौशल। कौन सा? लेखन कौशल, लेखन कौशल। भाई श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, जो ये चार भाषाई कौशल होते हैं, जो उनकी जो गलतियां त्रुटियां होती हैं वो श्रुत लेखन से दूर होती हैं। श्रुत लेखन जो ये भाषाई कौशल है, इनके निर्माण में अति आवश्यक विधि है श्रुत लेखन। आगे चलते हैं श्रुत लेखन विधि के बारे में। चलते हैं श्रुत लेखन अभ्यास विधि में। भाई किस प्रकार कार्य करती है श्रुत लेखन अभ्यास विधि? भाई अध्यापक को, अध्यापक को विद्यार्थियों को पहले सूचित कर देना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए। किसके बारे में बता देना चाहिए? भाई मैं ये पाठ पढ़ाऊंगा, इसके बारे में श्रुत लेखन कराऊंगा, तो कोई भी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य जो पाठ कराने, जिसे कोई भी लेसन है उसको पढ़ाने के पहले अध्यापक को उसको बता देना चाहिए। किनको? छात्रों को। भाई इतना ही पढ़ाएं एक कालांश में, भाई एक कालांश में, कालांश में उतना ही पढ़ाया जाना चाहिए जितना अध्यापक जांच
सके। भाई अध्यापक द्वारा एक कालांश में उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना अध्यापक जांच सके, और भाई 10 कठिन शब्दों को अलग लिखवा देना चाहिए। भाई अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों को अलग लिखवा देना चाहिए। भाई कठिन कोई भी शब्द है उनको अलग लिख लो आप, जिससे विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। समझ में आया? और आगे चलते हैं। दस कठिन शब्दों को अलग लिखाने के बाद में क्या होता है भाई, जो विद्यार्थी बढ़िया लिखता है तो उसकी तारीफ भी अध्यापक को करनी चाहिए। भाई उसकी तारीफ करेंगे और जो शब्द उन्होंने जो गलतियां की है उन गलतियों को सुधारते हुए शाम पट पे लिख देना चाहिए भाई, जिससे वो गलतियां सुधार लें, गलतियां कम से कम करें। और जब अध्यापक कॉपी की जो कॉपी है उसकी जांच करे, तो जो त्रुटि हुए शब्द हैं जिनमें विद्यार्थी गलती करता है उन शब्दों के आगे गोला कर दे, उन शब्दों के आगे गोला कर दे और उनको ऊपर लिख दे, जिससे विद्यार्थी गौर करेगा भाई इस जगह में वर्तनी संबंधित त्रुटियां कराऊं, वर्तनी संबंधित गलतियां कराऊं। और जैसे टेप रिकॉर्डर ये होते हैं, इनसे भी हम श्रुत लेखन का अभ्यास करवा सकते हैं। ये थे मुख्य मुख्य बिंदु श्रुत लेखन विधि के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। सरल विधि है, अच्छी विधि है, कुछ प्रश्न इस विधि में पूछे भी जाते हैं, जैसे भाषाई कौशल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली शिक्षण विधि के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।